हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब मैं फिर लेकर आई हूँ सोशल ट्रेड से रिलेटेड न्यूज़ आपके सामने। दोस्तों, इस न्यूज़ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनुभव मित्तल जी जो रिहा हो चुके हैं और 8 तारीख को उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें वो हमारे साथ बातचीत करेंगे सोशल ट्रेड से रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड। लेकिन अब मैं थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ कि ईडी ने फिर से मांग की है सोशल ट्रेड यानी कि अनुभव मित्तल जी के खिलाफ कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए और कुछ पूछताछ करने के लिए। दोस्तों, अमर उजाला में ये न्यूज़ जो है आ रही है और उसके बारे में ये न्यूज़ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, ऑनलाइन क्लिक के नाम पर करीब 37 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले सोशल ट्रेड बिज के मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल और उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी ने एक नए मामले को दर्ज किया है। इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज हुआ है ये केस। ईडी में मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार अनुभव मित्तल आम जनता और सरकारी एजेंसियों के पास जाली या एक्सपायर हुआ हो चुका ISO प्रमाण पत्र जो थे वो लेकर जाते थे, जो कि एक फर्जी था और फर्जी तरीके से इसे पेश करते थे। इस मामले की जानकारी वो लेना चाहते हैं। मामले की जांच में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। ईडी की संबंधित अदालत ने से अनुभव मित्तल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी है। ईडी इससे खास कर नए बैंक खाते और कंपनियों के बारे और एजेंटों के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ईडी की इस एप्लीकेशन का अदालत क्या जवाब देती है। अनुभव मित्तल जी को दोबारा से फिर से हिरासत में लिया जाएगा या फिर इसके आगे क्या होगा, ये जल्द ही पता चलेगा। और 8 तारीख को कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि इस वर्क का जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, इसे कंटिन्यू होगा क्या होगा इसके बारे में। तो ऐसी ही गुड न्यूज़ मैं आपके साथ एक लेकर आऊँगी जल्द ही। और ये बैड न्यूज़ जो है तो इसे थोड़ा लाइटली लीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट जो आएगा उसके अभी वेट है। हमें अदालत क्या कहती है इसके बारे में जानेंगे जल्द ही। तो फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है क्लिक नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो तब दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, स्टे हेल्दी।